हाँ पारो, मुझे सब याद आ गया है। सच में शंकर, सब याद आ गया तुम्हें? सच बोलो, मुझे सब याद आ गया है। इससे तो शर्म वरम है नहीं। और तुम, क्या याद आ गया था तुम्हें? हाँ, क्या याद आ गया था बताओ शंकर, क्या याद आ गया था जिसके अंदर घुसे जा रहे थे तुम? काम डाउन निशा, बात बात पे घर सिर पे उठाना बंद करो। टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे पारो से अकेले में बात करनी है। दूर जा, दूर जा, दूर, हमारे हमारे हमारी जान बचते हमारी। अरे ये तो दुपट्टा है रे। अरे क्या कर रही हो अम्मा? झाड़ा मारे अपने बिटवा को, पारो चाहिए कि नहीं? पारो? नहीं नहीं नहीं, हमें 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 पारो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं हम उससे जितना दूर रहे उतना अच्छा है। दूर रहे? अरे बचपन से लेकर जवानी आ गई पारो के नाम की पिपड़ी बजाते बजाते, अब दूर रहे? हुआ का है बिटवा? अरे हमें कुछ ना हो इसलिए हमें उससे दूर रहना है। अरे वो नागिन है, नागिन। हाँ, लेकिन हमरा जहर उके जहर से ज्यादा जहरीला है, बूझे? अरे अम्मा तुम काहे मजाक कर रही हो? अरे हमने उसे नागिन रूप में देखा है। अम्मा? रही बात पारो की, तू हमरे ऊपर छोड़ दे, जितना खर्चा किए है ना अब तक उसका सूद समेत वसूली करेंगे।
जो कहना है, जितनी बातें करनी है कर लो। मैं वापस आऊंगा। भोलेनाथ की कसम शंकर, हम इतना खुश हैं कि हम बता नहीं सकते। ऐसा मन करना जैसे आसमान फाड़ के हम बस नाचने लग जाएं। तुम्हें तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तुम्हें हमारी आखिरी मुलाकात याद है शंकर? हमने तुमसे वादा किया था हम फिर मिलेंगे शंकर, अगले जन्म में। हमने कहा था कि हमें सब कुछ याद रहेगा, हमारा प्यार, हमारा जन्म, जन्मों का साथ, सब कुछ। हमें सब कुछ याद है और हम बहुत खुश हैं कि तुम्हें भी इस प्यार का एहसास हमने करा दिया। नागिन कहीं नजर नहीं आ रही, कहां जा सकती है वो? अरे ये क्या दिखा रहा है? अम्मा के जमाने की साड़ियाँ, कुछ बनारसी दिखा हमें। अगर इस बार वो भाग निकली तो सबसे पहले इस परिवार को आग लगाऊंगी। बिरजू, ओ बिरजू, मेहंदी ले आओ। फिर ये दोनों कहाँ हैं? कहाँ हैं ये दोनों? चीची आए दिन बेकाबू होती जा रही है। चीची, दीदी शांत हो जाओ। दीदी शांत। चीची बार बार घर में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल मत करिए, मामला रिस्की हो जाएगा। तुम नहीं बता सकती मुझे क्या करना है, समझी? बता नहीं रही मैं, सिर्फ सुझाव दे रही हूँ। जीजी, सुझाव दे रही हूँ, थोड़ा कंट्रोल रखिए अपने ऊपर। ये बात बात पर आप जो चोटी खोल देती है ना, किसी दिन आपका चुड़ैल होने का पोल ना खुल जाए। हाँ दीदी, हमारा मकसद कुछ और है यहाँ आने का, और आपने जो ये कांच तोड़ के कर दिया तो फिर इससे सबको पता चल जाएगा। अब बस हमें ये पता करना है कि वो नाग और नागिन का जोड़ा है कहाँ। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता शंकर, कोई भी नहीं, क्योंकि भोलेनाथ ने हमें मिलाया है। वरना तुम ही सोचो ना, इतने सालों बाद जाके एक ही गांव में। कितने मूर्ख हैं हम, बस बोले ही जा रहे तोते की तरह टप 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 टप।
तुम कुछ नहीं बोलोगे? कहाँ जा रहे हो तुम? पीछे क्यों जा रहे हो? वहां ऊपर चढ़ के मुझे बताओगे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, या हीरो की तरह भाग के आके मुझे गले लगाओगे? हाँ, देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, प्लीज ले जाइए इसे। सच, वो सच जो तुम सुनना नहीं चाहती, पर जरूरी है। पहले नादानी समझकर माफ किया मैंने तुम्हें, लेकिन अब तो तुम चिपक ही गई मेरी शर्ट में। डॉक्टर साहब, पागल है ये लड़की, ले जाइए इसे और इसका इलाज अच्छे से कीजिए। इसे लगता है कि हम पागल हैं? नहीं नहीं, हम अभी नागिन रूप लेकर दिखाते हैं, ये साबित हो जाएगा कि हम पागल नहीं हैं। हम नागिन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? झूठ कहना पड़ा, क्योंकि याद रखने के लिए कुछ है ही नहीं। ये इलाज तुम्हारे भलाई के लिए है। अभी तुम्हें शायद ना सही लगे, लेकिन कभी ना कभी जरूर समझोगे। देखे तो कैसी घुटी है। अम्मा! अरे जीजी, क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, हम तो बस देख रहे थे। और अरे बिरजू, दवा पट्टी लेके आ जरा। ठीक है माँ। गीता, ये क्या शगुन की मेहंदी में खून? ये शुभ संकेत नहीं है अम्मा। शादी ब्याह का घर है, कोई अपशगुन ना होना चाहिए। हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ माँ। आज तो शंकर ने सारी हदें पार कर दी, अब और सही नहीं होगा मुझसे। गुस्सा थूक तो ज्योति। ये गुस्सा शांत नहीं होगा शंकर, तुम रहो अपने पारों के साथ। कैसे? उसे तो बहुत दूर छोड़ आया हूं मैं, तुम्हारे लिए, ताकि हम साथ रह सके। मतलब ये कि पारो बीमार है ज्योति, इलाज के लिए उसे उसकी सही जगह पहुंचा कर आया हूं मैं। सच? जो हुआ उसे भूल जाओ, मेहंदी की तैयारी शुरू करें।
पागल। इन दोनों के हाथ में मेहंदी सजेगी और वहां पागल खाने में उस नागिन का मन रोएगा। उसके शंकर ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जो दिया है, नाग बनी हासिल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वादा करो कि मुझे हमेशा याद रखोगे। देखा डॉक्टर, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। ला वो दे दो और ये भी अच्छे से डाल लो। हे भोलेनाथ, इस घर पे और मेरे पोते पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे पोते को हर बुरे साए से, हर बुरी शक्ति से बचाए रखना। हे भोलेनाथ, बहुरिया, बहुरिया, अरे क्या हुआ बहुरिया? पैर फिसल गया। इतना मटक मटक के चलोगी तो गिरोगी ही ना। सीमा दीदी, क्या हुआ? क्या रहे हो? आगे बढ़ो। तुम लोगों का इतना शक्तिशाली होने का फायदा क्या है? वापस चलो। जी, आप तो हमसे ज्यादा ताकतवर है ना, आप जाके दिखाइए। नहीं, वो मतलब आपकी टक्कर का कौन ही है? जीजी आप आगे बढ़िए तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी ना। सौम्य जीजी, दीदी शांत, होश में हो दीदी? जीजी, कुछ हुआ क्या अभी? अम्मा चलो ना, मेहंदी की तैयारी करनी है, आओ। आज इस घर में मेहंदी नहीं बर्बादी होगी, उस नागिन की बर्बादी होगी और मेरी नागमणि मेरी होगी। We'll be right back.
जाओ। मैं बच्चू। चलो ज्योति, इंतजार हो रहा है। अच्छा मेहंदी लगवा। अच्छे से मेहंदी लगवाना। अरे अम्मा, ये अचानक से मौसम की मार पड़ रही है, हमें तो ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे तू बेकार की चिंता छोड़, भोलेनाथ है ना, वो सब ठीक कर देंगे। यहाँ बीच में ना एक हार्ट बनाना और उसमें शंकर लिखना, मेरा शंकर। देखा डॉक्टर्स, कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है ये लड़की। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, प्लीज ले जाइए इसे।